हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर एवर में आपका एक फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं आज दोबारा कार ट्रेड की देखिए कार ट्रेड आज के दिन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो लगा कि यहाँ पर एक कैंडल रिवर्स का साइन लग रहा है बट यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया दो तीन रीजन है Uh, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखाऊंगा जिसकी वजह से आपको देखो बिलीव आएगा एज वेल एज आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि शेयर बेशक से अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना परसेंट गिर चुका है लगभग लगभग अगर हम इस शेयर को यहाँ पर से देखते हैं तो लगभग लगभग ये शेयर आज की डेट में देखे तो लगभग चौबीस तक गिरता हुआ नजर आया था बट क्लोजिंग की बात करते हैं तो फिर भी चौबीस के आसपास ये शेयर यहाँ पर प्लंज होता हुआ नजर आया था गिरता हुआ नजर आया है ओवरऑल टाइम में तो क्या हमें बेच के निकल जाना चाहिए क्योंकि अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कल देखिए यहाँ पर हमने अगर हम यहाँ पर बात करें कार ट्रेड या शेयर 22 परसेंट गिर गया ओके बेच के निकल जाए या खरीद के खरीदे इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई थी आपको समझाया था अच्छी तरीके से बट अगेन अब मैं थोड़े से और एक्स्ट्रा जैसे कहते हैं ना और एक्स्ट्रा क्या कहते हैं डेटा के साथ और एक्स्ट्रा डेटा के साथ आपके पास आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक्स बेचने वाला नहीं है यहाँ पर से ये कैंडल रिवर्स होने वाली है बहुत जल्दी और यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर स्ट्रेट रही है लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए ओके okay, और हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे और यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी वीडियोज़ कल की डेट में यहाँ पर बनाई गई थी हाँ तो यहाँ पर जाके वीडियोज़ को देखिए चेकआउट करिए अच्छे अच्छे शेयर आपको काफी कम प्राइस पे मिल रहे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको होता हुआ दिखाई देगा प्ले को गो थ्रू करिए और यहाँ पर हम चलते हैं वीडियो की तरफ और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही से है गिर चुका है। और अगर हम देखे तो बारह सौ तो देखिए काफी लोगों ने यहाँ पर हाई पे ले रखा है काफी लोगों ने यहाँ पर लिया है काफी लोगों ने यहाँ पर लिया है और मैं भी, भी इसी दौरान लिया है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत शेयर लिया तो so, मैं यहाँ पर बायोन डिप्स कर रहा हूँ तो देखिए सभी यहाँ पर सभी को लॉस होता हुआ नजर आ रहा है ओबीएससी बात है किसी ने यहाँ लिया है तो भी किसी ने यहाँ लिया है तो भी और किसी ने यहाँ लिया है तो भी तो हर किसी को यहाँ पर लॉस होता ही नजर आ रहा है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ ओके ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए कि मार्केट ऐसे ही है तो कल की डेट में जब वीडियो यहाँ पर बनाया गया था तो आपको बताया था कि वॉरन बफेट कहते हैं जब तक फिफ्टी तक शेयर अगर कोई डाउन ना हो जाए और अपने पोर्टफोलियो को देखने की आपको आदत ना हो जाए ओके okay, तब तो तक आप अच्छे इन्वेस्टर बन ही नहीं सकते तो अच्छे इन्वेस्टर्स हमेशा टिके रहते हैं और अच्छा शेयर जब आपने लिया है ना तो उसमें टिकने में कोई परेशानी नहीं है चाहे वो बीस परसेंट गिरा हो चौबीस परसेंट गिरा हो तीस परसेंट गिरा हो चालीस परसेंट गिरा हो <coughs> क्या आपके पोर्टफोलियो में इससे पहले कभी 20 परसेंट या तीस परसेंट के शेयर नहीं गिरे क्या आपके पोर्टफोलियो में कभी इससे पहले चालीस परसेंट या पचास मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर हैं जो मैंने हाई लेवल पर लिए थे और अभी भी है बट कैश भी ऐसे शेयर भी है जो कि थ्री हंड्रेड परसेंट तक के रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं तो सिंपल समझने की चीज है कुछ इसलिए क्या कहते हैं हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करके रखो तो सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न देखिए ये एंटनी वेस्ट हैंडलिंग ओके ये इसी साल की लिस्टिंग है जैन में ये शेयर आता

गिरा था बट फिफ्टी परसेंट के बाद जब यहां पर भागा किसी ने यहाँ पर भी शेयर लिया ना तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हंड्रेड परसेंट तक के तो इसके पैसे तब बनेंगे इसके अलावा अगर हम पर देखें तो यहाँ पर देखिए अभी भी इस शेयर ने अपने बॉटम से लेके तक तक कितने के तक तक पर तो पर रिटर्न दिए तो आप समझ रहे हैं कि एक बार चलना शुरू हुआ ये शेयर तो यहाँ पर हायर लो हायर टॉप बनाते 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 यहाँ पर ये शेयर लगभग जहां पर से शुरू हुआ था उधर ही यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया और अभी थोड़ा सा कितना टाइम हुआ है देखिए जैन को आया था और अभी क्या चल रहा है सेप्टेम्बर

प्लेजिंग नहीं है आप ही थोड़ा सा महंगी है महंगा है बट धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आ रहा है और सस्ता होता जा रहा है स्मॉल कैप कंपनी है जिस दिन दस हजार का द, दस हजार करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया उस दिन से ये जो ये गिरावट हो रही है ना ये गिरावट थोड़ी सी वो होना कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर भी थोड़े हैवी हाँ रहते हैं तो वो छोटी चीज को ज्यादा मेनुपुलेट कर लेते हैं फेस वैल्यू की बात करें टेन रुपीज का यहाँ पर फेस वैल्यू है और यहाँ पर इंटेंसिक वैल्यू देखिए तेरह सौ और आपका शेयर के बारह कुछ के आसपास चल रहा है थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर शेयर को थोड़ा सा और गिर सकता है बट फिर भी मैं कहूंगा छह महीने एटलीस्ट वेट करिए छह महीने बाद

तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने आए अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोमोटर्स की तो यहाँ पर प्रमोटर्स का तो कोई हिस्सा नहीं है बट अगर फॉरन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए लगभग पांच लाख लग सोलह हजार मतलब ग्यारह परसेंट की होल्डिंग इनके पास है नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड के पास इनके पास लगभग पांच परसेंट की हिस्सेदारी है आ, अदर्स की बात करें लगभग छप्पन परसेंट की हिस्सेदारी है जनरल पब्लिक के पास केवल बाईस परसेंट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास यहाँ पर पांच परसेंट की हिस्सेदारी है तो यहाँ पर जो हिस्सेदारी है ना वो भी अच्छे खासे हाथों में अभी भी है और हमें यहाँ पर कुछ और

20 अगस्त को ही नौ लाख साठ हजार शेयर पंद्रह सौ तिरसठ एज वेल एज जुपिटर ने यहाँ पर 20 अगस्त 20 अगस्त को पंद्रह सौ पिछहत्तर रुपए के भाव से तीन लाख नब्बे हजार के शेयर लगभग लगभग यहाँ पर इन्होंने बाइक किया तो यहाँ पर अगर हम बात करें <coughs> देखिए दो ही क्वांटिटी यहाँ पर सेल है यहाँ पर यहाँ पर ये यह तो ये तो एवरेज हो गया इसके अलावा यहाँ पर एनके सिक्योरिटीज ने यहाँ पर 20 अगस्त को लगभग तीन लाख पैंतालीस हजार यहाँ पर ली थी और यहाँ पर तीन लाख पैंतालीस सौ ये एवरेज होगी बट अगर बात करें गोल्डमैन ओके यहाँ पर बात करें जुपीटर यहाँ पर बात करें प्लूटोज तो यहाँ पर लगभग साढ़े पंद्रह सौ रुपए के हिसाब से इन्होंने शेयर ले रखे और ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना ये बेवकूफ़ नहीं होते ये हमसे ज्यादा समझदार होते हैं इन्हें पता है कि और यही लोग होते हैं शायद शेयर को यहाँ पर गिरा रहे हो ऑपरेटर एक्टिव एक्टिव रहते हैं ओके छोटे शेयर में तो वो यहाँ पर इस शेयर को यहाँ पर गिरा रहे हो क्योंकि उन्हें यहाँ पर नीचे लेवल से मिल जाए और जब नीचे लेवल से वो शेयर को यहाँ पर भगा शुरू करेंगे ना तो यहाँ पर ये टारगेट तो कुछ भी नहीं है छह महीने के अंदर अंदर मैं इसे तीन हजार रुपए पे देखता हूँ शेयर को कि तीन हजार से साढ़े पच्चीस सौ से तीन हजार रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा बिलीव मी और नॉट इसी तरीके से मार्केट चलती है और हमारी मार्केट अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अभी कोई यहाँ पर बबल नहीं है किसी तरीके का ओके लोग भी यहाँ पर बबल बबल कह गए यहाँ पर लोगों को डराते रहते हैं अभी यहाँ पर ये चीज नीचे आ रही है तो यहाँ पर एक वैल्यू बाइंग नजर आ रही है इसका पी रेशो कम हो रहा है यहाँ पर जो महंगा यहाँ पर दिखाई दे रहा था सस्ता होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक मुझे चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है कौन सा चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है अगर मैं आपको यहाँ पर से दिखा दूँ तो देखें यहाँ पर एक यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक मैं दिखा देता हूं तो यहाँ पर देखिए एक आ, ये शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे शोल्डर और इसके बाद यहाँ पर एक हेड बनेगा और हेड बन के यहाँ पर शोल्डर बना केोल्डर बना के ऊपर की तरफ निकलेगा और बेहतरीन आपका ये शे, ये शेयर शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा तो थोड़ा समझने की बट जरूरत है बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे यहाँ पर ये भी निकाल रखी है यहां पर देख लीजिए एफ आई डी आई सब ने यहाँ पर खुल के यहाँ पर शेयर ले रखे हैं यहाँ पर आप देखेंगे इसे एन बी एनबीएफसी ने यहाँ पर शेयर ले

भी आप यहां पर देख सकते हैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो थोड़ा सा टाइम यहां पर दोबारा आपको देना पड़ेगा तो इसी तरीके का एग्जाम्पल मैं आपको देता रहूंगा ओके okay, ताकि आपको लॉस ना हो आप डरे ना क्योंकि यहाँ पर डर के निकाल लेंगे चालीस हजार पचास हजार का लॉस कर लेंगे कोई फायदा नहीं है दूसरे शेयर में डालेंगे क्या पता उसमें भी इसी तरीके का लॉस होगा क्या इस तरीके से लॉस लेने के लिए यहाँ पर आप आए नहीं ना आप यहाँ पर आए हो पैसा कमाने के लिए और पैसा तब कमता है जब यहाँ पर पेशेंटली थोड़ा सा वेट करते हैं गिरते हुए डर नहीं लगता गिरते हुए यहाँ पर खरीदारी का ऑप्शन बनता है और यहाँ पर पता रहता है कि ऊपर की तरफ चीजें कल या आज नहीं तो कल यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल शेयर वजह खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली पे से मिलते सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस